बिहार का सपना टूट गया है। बिहार में आवंटित दो कोल ब्लॉक को घाटे का सौदा बताकर बीसीसीएल ने कोयला उत्पादन नहीं करने का निर्णय लिया है। उक्त कोल ब्लॉक को सरेंडर करने पर बीसीसीएल बोर्ड की बुधवार को बैठक में स्वीकृति भी दे दी गई। अब कोयला मंत्रालय को बोर्ड के निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहली बार बिहार में कोयला खनन की उम्मीद जगी थी, जो अब लगभग खत्म हो चुकी है। एक स्टडी रिपोर्ट के आधार पर कोल ब्लॉक को सरेंडर करने का निर्णय लिया गया है। खनन में देश की सबसे बड़ी विशेषज्ञ एजेंसी CMPDIL ने बिहार के मंदार व पीरपैंती कोल ब्लॉक को घाटे का सौदा बताया है, इसलिए भविष्य में कोई और कंपनी शायद ही इन कोल ब्लॉक को खनन के लिए राजी हो। हाल ही में बिहार और उससे सटे झारखंड के क्षेत्र में आवंटित 4 नए कोयला ब्लॉकों से खनन शुरू करने के लिए BCCL उस इलाके में अपना क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करने वाली थी। नए एरिया का नाम विक्रमशिला दिया गया था। आवंटित 4 कोल ब्लॉक में 3 बिलियन टन कोयले का भंडार होने की बात कही गई थी। करीब 85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में छोटे बड़े 86 गाँव हैं। खनन शुरू करने के पूर्व उक्त गांवों का सर्वे किया गया था। सबसे पहले पीरपैंती बाराहाट स्थित कोल ब्लॉक से कोयला का उत्पादन शुरू करने की योजना थी, तो वहीं 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैले ब्लॉक में जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 850 मिलियन टन कोयले का भंडार है। आपको बता दें कि 2018 में BCCL को बिहार व संताल परगना के राजमहल कोयला क्षेत्र में 4 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इन कोल ब्लॉकों के अलावा बोकारो के चंदन कियारी स्थित पर्वतपुर कोयला खदान शुरू करने के पक्ष में भी BCCL नहीं है। फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वैसे CMPDIL की शुरुआती जांच में डिग्री थी। इस माइंस में सुरक्षा संबंधी सवाल है। उक्त कोल ब्लॉकों को सरेंडर करने के पीछे जो कारण गिनाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, क्योंकि इसलिए सरेंडर करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि कोयले का ग्रेड बढ़िया नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार G12 ग्रेड का कोयला है जिनकी मांग ज्यादा नहीं है। कोयले का सीम काफी नीचे, ज्यादा ओबी हटाने की जरूरत, मिट्टी पसरने वाली थी जिसे रखने के लिए बहुत जमीन की जरूरत है। तो वहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार का ये सपना लगभग टूटने की तरफ है।